को ड्राइविंग करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अभी तो द्वारका रोड है, द्वारका रोड बोलते ना, और अहमदाबाद जाते हैं, चोटी लाता है, द्वारका आता है, और कच्छ की साइड गए थे ना तो उस रोड पे भी हमने देखा था। वो जो रात को पदयात्री निकलते हैं ना, चल के पैदल करके जो यात्रा करते हैं, वो सब लोग क्या है, टॉर्च रखते है, कोई कोई नहीं रखता है, कोई कपड़े ऐसे पहनते है, तो कार वाले जो भी गाड़ी लेके निकलते है उसको बहुत तकलीफ होती है, वो दिखते नहीं है, और कोई कोई बेचारा वो एक्सीडेंट भी हो जाता है, मर भी जाता है। तो उसके लिए मैं, मुझे माइंड में आया कि जो ये सभी जगह रहने का, बीच में रास्ते में खाने का जो लगाते है, तो उसमें वो पदयात्री के लिए कमर बेल्ट होना चाहिए, रेडियम पट्टी वाला, जो वो कमर में पहन ले, तो उसके क्या होगा कि कुछ टॉर्च वगैरह रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूर से ही गाड़ी वाले को पता चल जाएगा कि ये कोई चल के जा रहा है। ऐसे कमर बेल्ट है, शोल्डर बेल्ट है, ऐसी पट्टियाँ बनानी चाहिए, और वो पदयात्री के लिए भी रखनी चाहिए, तो उससे के गाड़ी वाले को भी परेशानी नहीं होगी, पदयात्री को भी सुरक्षा होगी। तो ये बहुत मुझे माइंड में आया है, मैं सुझाव दे रहा हूँ, तो जो भी वो खाने का कैंप लगाते है, रहने के लिए कैंप लगाते है, उधर वो व्यवस्था करके रखे, जिससे क्या होगा कि पदयात्री रात को चल के जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसकी भी सेफ्टी रहेगी, गाड़ी वाले को भी ध्यान में आ जाएगा, सामने रेडियम पट्टी देखेगा तो हाँ चल के जा रहा है पदयात्री, ऐसा पता चल जाएगा। मेरा सुझाव अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आगे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, जिससे सभी को पता चले और ये व्यवस्था करें।